ऐसे क्यों थे जब अन्ना हजारे ने एक सभा में कहा था कि केजरीवाल जी का नाम ऐसे पवित्र स्थान पे नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे का रीजन कोई आप मानती है कि ये जो अंदर की जो अंदरूनी लड़ाई है खुल के बाहर आ गई है? कौन क्या कहता है ये वही जानते हैं, दूसरों के कहने पर मुझे क्या कमिटमेंट करना? क्योंकि आप हमेशा से केजरीवाल जी को ही सपोर्ट करती रही हैं और साथ में दोनों पहले थे, लेकिन अब दोनों के मतभेद हो गए, आप ऐसे में केजरीवाल जी के साथ अब भी तो कहीं ना कहीं आप इतिहास की बात कर रहे हैं, आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। ऐसे समय पे ये वर्तमान में खुलकर आ रही है, ये इतिहास इतिहास है, इतिहास हो गया। देखो सवाल उठता है, नेशनल दो ही पार्टीज है, नेशनल पार्टी सिर्फ दो ही है, बाकी सब बहुत अच्छी स्टेट पार्टीज हैं जो अपना काम करती है, लेकिन नेशनल पार्टी सिर्फ दो हैं, एक वो पार्टी जो अब तक सरकार पिछले 9 साल से चला रही थी और एक वो पार्टी जो ऑपोजिशन में थी। इस वक्त लोग जो सरकार 9 साल हमें बहुत स्कैम्स दे चुकी है उसको तो नहीं चाह रही, तो उसका मतलब क्या है, किसको चाह रही? तो किरण जी ऐसा क्यों कि आप पलट गए हैं दोबारा से अपने बयान से? मैं ये नहीं कह रही कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं, मैं ये कह रही हूं इस वक्त लोग चेंज चाहते हैं और चेंज और उस पार्टी को चाहते हैं जिसके पास एक नेतृत्व है और वो है इस वक्त बीजेपी और कोई नहीं। किरण जी फिर क्यों आपसे एकदम अलग हो के अचानक बीजेपी के सुर में गा रही, क्योंकि अक्सर हम देखते थे आपके सपोर्ट में आके खड़ी होती थी, कई रैली आपने अटेंड की है दिल्ली के जंतर मंतर में आपकी केजरीवाल जी के, क्योंकि मैं स्टेबिलिटी के लिए हूँ, मैं इस वक्त गवर्नमेंट मैं चाहती हूँ इस देश को सरकार मिले, तो आप मैं इस देश को चाहती हूँ एक स्टेबल पार्लियामेंट मिले, ऐसी सरकार मिले जो पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट कानून पास करे और पार्लियामेंट हमें कायदे की पॉलिसीज दे। सो अगर हम एक ऐसी पार्टी को नहीं लाएंगे सही नंबर पे जिसको कहते हैं मिशन 272, तो फिर पार्लियामेंट नहीं चलेगी, कानून भी नहीं मिलेंगे, आपको कायदे का बजट भी नहीं मिलेगा, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपको यूनाइटेड इंडिया नहीं मिलेगा, इंडिया टुकड़ों में हो जाएगा। इस वक्त मैं नहीं चाहती मेरा इंडिया टुकड़ों में हो, मैं चाहती हूँ एक यूनाइटेड इंडिया हो, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट हो जो अच्छे कानून पास कर सके और जवाबदेही हो, अच्छे लोग ऑपोजिशन में भी बैठे और तजुर्बेकार लोग सरकार में भी बैठे, ऑपोजिशन में भी बैठे लेकिन सरकार चलाने वाले भी बैठे, हमारी सरकार भी चले लेकिन जवाबदेही हो ऑपोजिशन के लिए, हमको एक अच्छी ऑपोजिशन भी चाहिए, हमको एक अच्छी सरकार भी चाहिए। वो तो लोग चुनने वाले हैं ना, लोग किसको चुनते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ मैं एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में विश्वास करती हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन विल गेट यू स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। इस वक्त हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए और वो गवर्नेंस अच्छे नेतृत्व के बिना नहीं आ सकती, और आज चांस है अच्छी गवर्नेंस का भी और अच्छी गवर्नमेंट के लिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम समझदारी से अपना वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूथ को आज नौकरियां चाहिए, यूथ को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुजुर्गों को अच्छा और सबको तंदुरुस्ती चाहिए, सो एक और यूनाइटेड कंट्री चाहिए, हमको डेमोन्स्ट्रेशन ही चाहिए, हमको एजिटेशन ही चाहिए, हमको इस वक्त कियोस ही नहीं चाहिए, हमको सरकार चाहिए, हमको गवर्नेंस चाहिए, हमको पॉलिसीज चाहिए, हमको अच्छे बजट चाहिए और हमको बाहर का पैसा भी वापस लाना है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को तंदुरुस्त करे, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को पोस्ट करे जिसमें बाहर का धन आए, और जिस दिन बाहर का धन आ गया हमारी सबकी टैक्स लाइबिलिटीज बड़ी कम हो जाएंगी, हो सकता है आपके और मेरे बच्चों का जो ऋण पड़ा हुआ है 60 साल का जो हमने ऋण डाला है वो सारा वॉश आउट हो। तो किरण जी लास्ट सवाल, आपको नहीं लगता कि आम पार्टी जो आम पार्टी है वो इन सभी चीजों पे खरे सशक्त नहीं खरे केजरीवाल जी ने जो मैं यही कह रही हूँ, एक अच्छी ऑपोजिशन भी चाहिए लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए हमारे सबके भविष्य के लिए, और वो भविष्य आएगा एक समझदारी के वोट के साथ। धन्यवाद।